हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज स्टेप टेक। गाइस, आज से ना मैंने सोचा कि चलो एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे। मैं तो टेक्नोलॉजी का वीडियो बनाता हूँ, तो क्यों मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो कोर्सेस है उसका भी वीडियो बनाऊँ। क्योंकि यार इससे ना क्या होगा ना, आपको फ़ायदा होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जब नॉलेज मिलेगा तो फिर आपकी कैरियर को टेक्नोलॉजी पर भी बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी सारे कोर्सेस है उसके एक एक करके सभी वीडियो बनाते हैं और आपको जो कि हेल्प करेगा। तो गैस, तो इसलिए मैंने टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो इस कोर्स है जिसका नाम है MCA, उसके बारे में आज आपको इस वीडियो में डिटेल्स देने वाला हूँ कि यार MCA क्या होता है, उसको करने में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और MCA करने में कितना खर्च होता है, और MCA कौन सा कॉलेज में करना चाहिए, और MCA करने के बाद हमारा जो सैलरी रहेगा वो क्या रहेगा। तो फिर ये वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना, आपको इस वीडियो में MCA के बारे में A to Z डिटेल्स मिल जाएगा। तो गाइस, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MCA, नाम से ही पता चल जाता है कि अरे MCA यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी कि गाइस आप मास्टर बनेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। इस कोर्स को करने के बाद आपको इतना अच्छा खासा IT स्किल्स हो जाएगा कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, एक नया नया कोडिंग लैंग्वेज को भी बना सकते हैं। भाई ठीक है, सब कुछ आपको एक आइडिया स्किल्स मिल जाएगा इस कोर्स को करने के बाद। लेकिन गैस, इस कोर्स को करने में ना सभी ने नहीं कर सकते यार। इस कोर्स को करने के लिए कुछ ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो बात करते हैं कि यार इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। बात करते हैं कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन पे आपका ना जो कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि यार BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या फिर आप यदि साइंस लेते हैं ग्रेजुएशन पे तो फिर आपको कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए। क्योंकि यार देखो, MCA ना मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आपको MCA पे तो फंडामेंटल चीज़ जो है ना कि यार माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, कंप्यूटर कैसे चलता है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे कनेक्ट होता है, ये सब कुछ के बारे में आपको तो नहीं सीखा जाएगा। क्योंकि यार देखो, ये मास्टर लेवल का स्टडी है, तो फिर आपको ना जो जूनियर लेवल का जो स्टडी है, जो बेसिक लेवल का जो स्टडी है, वो आपको पहले ही सीखना चाहिए, राइट। तो फिर मैं देखो यार, इसके लिए आपको कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स तो होना ही चाहिए, लेकिन आपका यदि कंप्यूटर रिलेटेड को मतलब कि सब्जेक्ट नहीं है, आप ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं कॉमर्स में आर्ट्स में, तो फिर भी आप MCA कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ना ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा अलग है, ठीक है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा इसके बाद। लेकिन गाइस, फिलहाल के लिए जो वीडियो बना रहा है, जो मैं बना रहा हूँ, वो केवल साइंस स्टूडेंट के लिए है, जो कि यार कंप्यूटर साइंस लिए हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में वो जानते हैं। तो गाइस देखो यार, इसके लिए आपको कंप्यूटर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का कोडिंग स्किल्स मैं बोलूँगा कि यार ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यार बेसिक लेवल आपको सीखना ही चाहिए। तो ये तो हो गई MCA की एडमिशन करने में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन चलो बात करते हैं कि यार इसका ड्यूरेशन क्या है, यानी कि यार आप ये जो कोर्स है ना कितने दिन में आपको कंप्लीट करने लगेगा। तो गाइस, इसका जो ड्यूरेशन है 2 ईयर्स है, आपको ये कोर्स को कंप्लीट करने में 2 ईयर्स लगेगा। डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यार देखो इसमें ना सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, तो फिर आपका यदि कोई भी एक सेमेस्टर में बैक लग जाता है तो फिर आपका 2 साल से आगे भी जा सकता है। लेकिन इसका जो बेसिक ड्यूरेशन है वो 2 साल का ही है, राइट। और चलो बात करते हैं कि यार इस एक मतलब कि MCA को करने में एडमिशन तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, कुछ ऐसी एंट्रेंस तो आपको देना ही पड़ेगा। तो चलो बात करते हैं कि यार जो एंट्रेंस है वो क्या क्या है। BHUPET का एंट्रेंस आप दे सकते हैं, CMAT का एंट्रेंस भी दे सकते हैं, राइट, और IPUCET का एंट्रेंस भी दे सकते हैं, UPSEE का एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं गाइस, राइट। ये सब एंट्रेंस देने के बाद ना आप इंडिया का जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 कॉलेजेस है जो कि यार MCA कराता है, तो फिर आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। इसके साथ और भी बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जिसका नाम मैं फिलहाल के लिए अभी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यार वो जो एंट्रेंसेस है ना वो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए है, जो कि यार मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगा, राइट। तो फिर आप ये सब एंट्रेंस एग्जाम देकर आप MCA में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, चलो बात कर देते हैं। एडमिशन का जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा आपकी मेरिट बेस पे, जैसे कि आप एंट्रेंस एग्जाम दिए थे तो एंट्रेंस एग्जाम पे आपका जो रिजल्ट क्या हुआ है, ठीक, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट बनेगा, और आपका नाम यदि मेरिट लिस्ट पे होगा तो फिर आपको
जो कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, राइट। तो चलो बात करते हैं इस कोर्स को करने में कितना खर्च आता है भाई। तो यार देखो, इस कोर्स को करने में जो आपका जो कोर्स फ़ी है वो डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि यार देखो ये जो कोर्स है ना, एक एक यूनिवर्सिटी तो आपको नहीं देता है, क्योंकि यार देखो इंडिया में बहुत सारे से यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कॉलेजेस है जो कि आपको MCA कोर्स देता है। तो फिर कॉलेज के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से और फीचर के हिसाब से आपका जो कोर्स का जो फ़ी है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि यार आपका जो कोर्स फ़ी रहेगा वो 30,000 से लेकर 50,000 होता है। कोई कोई कॉलेज तो यार 5 लाख लेते हैं, 10 लाख लेते हैं, डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट, राइट। तो फिर कोर्स फ़ी के बारे में हम ऐसे मतलब कि पर्टिकुलर कोर्स फ़ी नहीं बता सकते। तो और यार देखो यार, आप MCA करना चाहते हैं तो फिर आप जो कॉलेज में करना चाहते हैं तो मैं ये बोलूँगा कि आप डायरेक्ट फिजिकली जाओ, विजिट करो और उनसे डिटेल्स लो कि यार आपको ये किस तरह से पढ़ाए और पढ़ाएंगे और फिर आपको कितना कोर्स फीस लेंगे, राइट। तो चलो बात करते हैं यार स्कॉलरशिप के बारे में। तो यार देखो, स्कॉलरशिप के बारे में इतना ही बताऊंगा कि यार देखो, आप यदि एक अच्छा स्टूडेंट हो, पढ़ाई में अच्छा हो तो फिर आपको तो स्कॉलरशिप मिल जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप जो कॉलेज में एडमिशन करने के लिए जाते हो वो कॉलेज आपको स्कॉलरशिप कितने का स्कॉलरशिप देता है, कितना परसेंटेज का स्कॉलरशिप देता है, स्कॉलरशिप देता है या फिर नहीं, राइट। तो ये टोटल डिपेंडेड ऑन यू, क्योंकि यार देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज में जाएंगे पढ़ाई करने में, राइट। तो फिर स्कॉलरशिप के बारे में भी मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ, राइट। तो फिर चलो बात करते हैं भाई इंटर्नशिप के बारे में। इंटर्नशिप यानी कि यार पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लेना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉर MCA इन इंडिया, यानी कि गाइस आपको इंडिया में जितने भी सारे इंस्टीट्यूट है MCA जो आपको दिलाते हैं, तो फिर उनके पास ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है इंटर्नशिप के लिए, तो फिर इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो, तो ये तो बात होगी कोर्स का ओवरव्यू, लेकिन कोर्स करने के बाद आपको क्या क्या ऐसे फील्ड में, कौन सा ऐसे फील्ड में आपको जॉब मिलेगा और उसका जो सैलरी क्या रहेगा। तो क्या देखो यार, सैलरी की बात कर दूँ तो सैलरी आपको यहाँ पे हो सकता है 10,000 मिले, हो सकता है 20,000, हो सकता है 1 लाख का पैकेज मिले, हो सकता है 5 लाख का पैकेज मिले, हो सकता है 1 करोड़ का भी पैकेज मिले, डिपेंड ऑन यू। क्योंकि यार देखो, आप कितना अच्छा से इस MCA कोर्स को क्लियर किए हैं, आपके पास कितना MCA का नॉलेज है, तो उसके हिसाब से आपका जो सैलरी मिलेगा, राइट। तो यार देखो, सैलरी तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर सैलरी नहीं बोल सकते, क्योंकि यार आप कौन सा कंपनी में ज्वाइनिंग कर रहे हो, वो कंपनी आपको कितना सैलरी पैकेज देगा, या टोटली ऑन डिपेंड ऑन यू, राइट। तो कैरियर ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या क्या रहेगा, कौन सा ऐसी कंपनी में आपको, कौन सा फील्ड में आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा। तो यार देखो, MCA करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब मिल सकता है, प्रोग्रामर बन सकते हैं, आप सिस्टम इंजीनियर बन सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, राइट, ट्रबल शूटर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर्किटेक्ट बन सकते हैं, वेब डिजाइनर एंड डेवलपर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट बन सकते हैं, यार टेक्निकल राइटर बन सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड में आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो गाइस, MCA मैं बोलूँ कि यार एक गोल्ड अपॉर्चुनिटी है एक ऐसी कंप्यूटर बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए। तो गाइस, आपको यदि कंप्यूटर में कैरियर बनाना है तो फिर आपके लिए MCA मतलब कि एक अच्छा ऑप्शन है। तो गाइस, एडमिशन करने से पहले आपको ऑनलाइन से भी बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा MCA के बारे में, तो फिर आप वहाँ से भी अच्छा खासा नॉलेज ले सकते हैं। तो गाइस, मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यार देखो, मैं आज से इस तरह से कि नया नया टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी सारे कोर्सेस है उसका एक रिव्यू बनाऊँगा, तो फिर आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो गाइस, मिलते हैं नया वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।